रानी जी, साहूकार से बस इतनी सी विनती कर दे कि आधा ब्याज ले ले तो इन बच्चन का पेट भर जाएगा। महारानी जी कुछ कीजिए ताकि हमारा लगान माफ हो जाए, कुछ कीजिए महारानी। हाँ महारानी जी, कुछ कीजिए महारानी जी, कुछ कीजिए महारानी जी, कुछ कीजिए महारानी जी। देखिए, एक राजा और एक रानी के लिए उनका परिवार उनकी प्रजा होती है, और हम अपने परिवार को कभी दुखी नहीं रहने देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय। 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 प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प? इसलिए आदेश पारित किया जाए कि पिछले 2 सालों से सूखा होने के कारण हमने लगान नहीं लिया था, परंतु इस साल पैदावार अच्छे होने के कारण 3 साल का लगान एक साथ राजस्व विभाग में जमा कर दिया जाए। वैसे ये साल फसल बहुत अच्छी हुई है, मगर साहूकार का ब्याज इतना बढ़ गया है कि फिर से भूखा मरने की नौबत आ गई है। प्रजा इस वर्ष भी लगान नहीं दे सकती। क्षमा कीजिएगा महाराज, प्रजा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। फसल कट कर आते साहूकार ब्याज के रूप में हड़प लेंगे। महाराज, हम अपनी समस्या का भार उन गरीब किसानों पर क्यों डालें? ये उन सबके लिए बहुत अत्याचार होगा महाराज। और यदि महारानी इस तरह से महाराज के आदेश पर पहले ही दिन टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। क्षमा कीजिएगा इष्टे जी, हम कोई टिप्पणी नहीं दे रहे। आपके आदेश अनुसार हम प्रजा से मिलने गए थे, और जो हमने देखा हम वही कह रहे। और आज ही हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया गया, इसलिए हमने केवल सुझाव। महारानी, किसी एक गांव की स्थिति देखकर पूरे राज्य का आकलन नहीं किया जा सकता, और संविधान के अनुसार आप केवल सुझाव दे सकते हैं। मानना या ना मानना हमारा अधिकार। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। हमारा आदेश लागू किया जाए। जो आदेश। Treaty में mention 2 lakh rupees का payment।
तीन महीने के बजाय आपको 15 दिन में करना है। क्षमा कीजिएगा महाराज, प्रजा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस वर्ष में लगान नहीं दे सकते। हम अपनी समस्या का भार उन गरीब किसानों पर क्यों डालें? ये उन सब के लिए बहुत अत्याचार होगा। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। तुम लोग जाओ। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हरिओम महारानी, आपने ये शंख की आवाज सुनी? हमारा रावबा जब अपने आप से लड़ता है, विचलित होकर इसी तरह से शंख बजाने लगता है, और इस अवस्था में उसे पहुंचाने वाली केवल आप हैं। आयश्री जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि महाराज। क्या कह रही हैं आप? भरे दरबार में आपने महाराज के आदेश की अवहेलना की, उसका दुस्साहस किया, और कहती हैं कि क्या किया है हमने? आयश्री जी, उस समय न्याय की दृष्टि में यही उचित था। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही दिन में आप महाराज और उनके मंत्रियों से अधिक अनुभवी हो गई? नहीं आयश्री जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये आशय नहीं था, परंतु प्रजा की जो दुर्दशा हमने देखी, यदि आपने देखी होती तो शायद आप यही कहती जो हमने कहा। हो सकता है महारानी, परंतु इस तरह से महाराज की अवहेलना करना, सबके सामने उनका अपमान करना सही नहीं है। आयश्री जी, क्षमा कीजिएगा, न्याय अपमान सम्मान से परे होता है। हे भगवान, ये हमारे रावबा का दुर्भाग्य है कि उसे ऐसी पत्नी मिली जिसे ऐसे कठिन समय में उनका समर्थन देना चाहिए, परंतु आप तो उसके विरोध में ही खड़ी हो गई। नहीं आयश्री जी, महाराज के विरुद्ध बोलना तो बड़ी बात है, स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर जाइए, तुरंत मंदिर में जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा रावबा इस आघात से शीघ्र ही उभर कर आ जाए। जी आयश्री जी, परंतु उससे पहले हम महाराज से मिल भेंट करके आप उन्हें और क्रोधित करना चाहती हैं महारानी। जाइए मंदिर में जाइए, आज गुड़ी पड़वा है, इतना तो पता होगा ना आपको। जल्दी जाइए। हरिओम हरिओम। Ha 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 ha
क्यों गोड़ भोले भाऊ, इस बार तो उड़ी पाड़वा बड़े जोश से मना रहे हो। अरे कैसे नहीं मनाएंगे, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे फसल अच्छी हुई तो क्या हुआ, साहूकार पिछले 2 साल के ब्याज में सब कुछ ले जाएगा, अरे तो बचेगा का? अरे सब कैसे देंगे, आधा देंगे। लेकिन भाऊ वो मानेगा तब ना। अरे मानेगा कैसे नहीं, तो क्या भूखे मरेंगे क्या? सुनो 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 सुनो, झांसी के निवासियों सुनो, हर खास आम को सूचित किया जाता है, पिछले 2 वर्षों से वर्षा न होने के कारण राज्य को सूखा ग्रस्त घोषित किया जा चुका था। इसी कारण राजस्व विभाग ने लगान वसूल नहीं किया, परंतु इस वर्ष अच्छी फसल हुई है, अतः वित्तीय संकट से उबरने के लिए 3 वर्षों का लगान एक साथ राजकोष में 7 दिन के अंदर जमा किया जाए। अभी तक तो साहूकार को देना पड़ता था, अब महाराज को भी लगान देना पड़ेगा, ये कैसा अन्याय है। अरे अरे ये अन्याय ही तो है, घोर अन्याय है। जैसे महाराज नहीं जानते, 2 साल से हम लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ से आएंगे एक साथ 3 सालों का लगान। हाँ कहाँ से आएगा 3 साल, कहाँ से आएंगे। समय तो
बहनी साहब यहाँ क्या कर रहे? सुनो, बहनी साहब के पालकी का पीछा करो। बीस बीस रुपया का मांग रहे, पचास पचास ले। अरे यही तो हमारा धंधा है। क्यों मालिक, हम लोग तो बड़ी मुश्किल से बीस बीस रुपया ही दे पाएंगे। लगान जो चुकानी है मालिक। अरे लगान चुका या अपनी बेटी का ब्याह कर, हमें क्या। मुनीम जी, सबका बीस बीस पकड़ाए के तीस तीस पे अंगूठा लगवा लो। ये क्या कह रहे हो मालिक, पहले तो आप 20 की जगह 22 ले रहे थे, अब 20 की जगह 30 पे अंगूठा लगा रहे हो। अरे गोड़ बोले, ये तो हम तरस खा के दे रहे हैं। पिछले दो साल का ब्याज दिया नहीं ना, इस साल हम मूल के साथ वसूल करेंगे। अभी लेना हो तो लो, वरना मत लो। और रहा सवाल पिछले साल का, तो वो तो बकाया हमरे बाके वसूल लेंगे। नहीं मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो। हमें वो गजरे लाकर दो जो तुमने हमसे कहे थे। जी महारानी। चाल तो बहुत अच्छी चली है। चाल तो बहुत अच्छी चली है। हम आपसे बहुत खुश हैं। झांसी का गुलाब 15 दिन में मुरझा जाएगा, लेकिन एक आशंका है, कहीं प्रजा ने लगान दे दी तो। हमने सारे अरेंजमेंट्स बना लिए हैं योर एक्सलेंसी। Everything has been planned. हमारे आदमी गंगाधर राव के सोल्जर बनकर जबरदस्ती लगान वसूल कर रहे हैं। वो दे नहीं सकते। तो अभी रिवॉल्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है। वाह फ्रेजर साहब, बहुत खूब। अभी तक कुब्जा हमारे हुक्के में आग डाला करती थी, अब आज तो आप ही डाल दी। ये तो घोर अन्याय है मालिक। ए, जबान संभाल के बात कर। अब सुन लो एक बात, जाओ यहां से, अब हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। फ्रेजर साहब, झांसी में गंगा का क्या काम? यहां शुरू से ही सुखुबाई की बेतवा बही है और वही बहेगी। Don't worry, Your Excellency. Everything has been taken care of. हम आपसे बहुत खुश हैं, फ्रेजर साहब। बस देखना ये है कि पैसा आता कहाँ से है।